हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो आज हम करेंगे अपने इंग्लिश की क्लास में क्वेश्चन आंसर, है ना। क्वेश्चन आंसर अभी तक आपने नहीं किए हैं और एक्सरसाइजेस की थी, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या है, आपको क्या करना है, पहले जो लाइन ड्रॉ की हुई होती है नोटबुक में उसकी इस साइड में लिखना है क्वेश्चन 1, QUES। ठीक है, ये आपको कर्सिव लेटर में ही लिखना है और आगे लिखना है 1, क्वेश्चन 1। ठीक है, फिर आप लिखोगे, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं या कोई भी लाइन लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में, कैपिटल कर्सिव लेटर में W लिखेंगे, उसी से ज्वाइन करता हुआ H। ठीक है, AT, WHAT, वॉट, ISS, ये स्मॉल कर्सिव लेटर में, THIS, दिस, वॉट इज दिस, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, मीन्स जैसे हमने हिंदी में किया था, क्या चक, है ना, किया था ना, क्या चक, फल चक, सेम वही चीज है क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे इंग्लिश में, इंग्लिश में कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, WHAT, वॉट IS इज, THIS, दिस, फिर क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे लगा देंगे हम क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट इज दिस, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, तो व्हाट इज दिस किसके लिए पूछ रहा है वो, इसके लिए, और ये क्या है, कैट। ठीक है, जब कोई भी चीज, है ना, जिसके लिए वो पूछ रहा है वो हमारे पास होती है तो उसके लिए लगाते हैं हम, यूज करते हैं दिस, और अगर कोई भी चीज हमसे दूर हो तो उसके लिए लगाते हैं हम दैट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज दिस, इसके लिए, कैट के लिए पूछ रहा है, तो हम इसका जवाब देंगे, इसको आंसर देंगे, दिस इज अ कैट, ये वाला दिस बिल्कुल फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ कैट, ये हमसे क्या पूछ रहा है, WHAT, व्हाट THIS, दिस, और लास्ट में ये देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज दिस, इसके लिए, तो ये है कैट, तो हम आंसर देंगे इसको, दिस इज अ कैट, है ना, दिस इज अ कैट, सिंगल कैट है, दिस इज अ कैट, तो हम यहाँ पे इसको आंसर देंगे, दिस इज अ कैट। दिस हमें क्वेश्चन में से देख के यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टी जब लिखा है तो ये लाइन के मिड में है, तो ये स्मॉल कर्सिव में लिखा है, बट जब हम लाइन की स्टार्टिंग करते हैं तो लिखते हैं कैपिटल लेटर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल में टी, HIS, दिस इज अ कैट, CAT, कैट, और लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। क्वेश्चन के लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क और आंसर के लास्ट में फुल स्टॉप। देखो क्या लिखा है, WHAT, वॉट IS इज THIS, दिस, वॉट इज दिस, क्वेश्चन मार्क, और ये बनी हुई है कैट, इसी को रिपीट कर रहे हैं हम लोग, तो आंसर में क्या लिखेंगे, दिस THIS, बोल बोल के लिखना है, THIS, दिस
is 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 a cat. और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप. क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप. व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ कैट. व्हाट इज दिस, दिस इज अ कैट. और लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट डिक्टेशन वर्ड्स फॉर एग्जाम्स. जो एग्जाम्स में आपके डिक्टेशन वर्ड्स आएंगे उन्हीं के कुछ डिक्टेशन वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ. वही वर्ड्स आपके डिक्टेशन में एग्जाम्स में आएंगे, तो आप ये लर्न कर लोगे. इन्हीं में से ही डिक्टेशन करवाएंगे हम. ठीक है, तो लिखोगे आप बैट. लिखो बैट. बैट की क्या स्पेलिंग होती है, बी ए टी, बी ए टी बैट. नेक्स्ट लिखो कैप. क्या लिखेंगे, कैप. कैप की स्पेलिंग सी ए पी, सी ए पी कैप. नेक्स्ट लिखो बैग. बैग, बैग की स्पेलिंग बी ए जी, बी ए जी बैग. नेक्स्ट पेन. पेन P E N, pen. Next लिखो pen. Pen T E N, T E N pen. Next लिखो net. net n e t net. next likhenge pin. pin p i n pin. नेक्स्ट लिखो लिप. लिप एल आई पी लिप. नेक्स्ट लिखेंगे लॉग. क्या लिखेंगे, लॉग. log l o g log. next top. क्या लिखेंगे, top. t o P top. next likhenge dot. dot D O T dot. next pot. क्या लिखेंगे, पॉट. पी
O T pot. Next, sun. S U N. S U N. Sun. Next likhenge hut. Hut. Hut ki spelling H U T. H U T. Hut. Next, cup. Kya likhenge? Cup. C U P. Cup. Next likhenge jug. Jug. J U G. Jug. तो ये किए हैं हमने डिक्टेशन वर्ड्स. इनको आपको एकदम अच्छे से लर्न करना है ना, क्योंकि जब हम डिक्टेशन लिखवाएंगे एग्जाम्स में तो इन्हें 16 वर्ड्स में से ही लिखवाएंगे, है ना. तो हमने क्या लिखा है, बैट कैप बैग, पैंट एंड नेट, पिन लिप, लॉग टॉप डॉट पॉट, सन हट कप जग. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं. ओके, और हमने करवाया एक क्वेश्चन, ओनली वन ही. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैट. ये भी आपको अच्छे से समझना है और लर्न करके अपनी नोटबुक में लर्न करना है. ओके, बाय.